और दूसरा चरण कल बुधवार। पहले चरण में 145 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ और कल 123 सीटों का होगा, जिसका अर्थ है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक कल हो चुका हो। इस बार के चुनाव में परिणाम क्या आएगा, इसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में तो मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव परिणामों के बारे में एक व्यापक सहमति है मतदाताओं में भी, पत्र पत्रिकाओं में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी, जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकते। मतदाता व्यक्त कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं व्यक्त कर सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज स्वाभाविक रूप से व्यक्त नहीं कर सकती कि वर्षों बाद एक निवर्तमान प्रधानमंत्री चुनाव से बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेगा। आफ्टर मेनी इयर्स, दिस लास्ट हैपेंड इन 1984, बट आफ्टर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम an incumbent prime minister will be receiving a renewed mandate, because after 84, every election that we have seen, 89 91 96 98, the prime minister who presided over that election did not become a prime minister after the election.